सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। इधर कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच रमजान का महीना शुरू हो गया, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है। करनाल में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस को मस्जिदें बंद रखने का आश्वासन दिया है। मुस्लिम समाज के लोग जो है करनाल के जो एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया से मुलाकात की थी, क्या रहा ज्यादा बातचीत करने के लिए, इससे हम खुद एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया हमारे साथ बने हुए हैं। जो सरकार की तरफ से हिदायत है कि रमजान के दौरान मस्जिदें बंद रहेंगी और जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो अपने घर पे ही बैठ के नमाज पढ़ेंगे, तो जो मुस्लिम समाज के रिस्पेक्टेबल्स हैं डिस्ट्रिक्ट करनाल के, उलेमा हैं या जो जितनी बड़ी मस्जिद हैं उनके प्रतिनिधि हैं, सभी ने ये 100% एंश्योर किया है कि सभी मस्जिद अभी भी बंद हैं और इस दौरान भी बंद रहेंगी, और सभी को सख्त हिदायत दी जाएगी इनके माध्यम से भी, प्रेस के माध्यम से भी, और जो इनके चैनल हैं ग्रास रूट लेवल तक मैसेज देने के, कि सभी अपने घर पर बैठ के ही इस दौरान नमाज पढ़ें। कोरोना रिलीफ फंड में भी कुछ राशि प्रदान की है मुस्लिम समाज के लोगों ने, कैसा कदम मानते हैं सर? जो इनका प्रधान है उनकी तरफ से 101,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन चेक के माध्यम से स्टेट हरियाणा जो कोरोना रिलीफ फंड है उसके लिए कंट्रीब्यूशन दिया गया है। आज कंट्रोल रूम में कुछ कैमरे लगाए गए हैं, उसके नजर रखी जा रही है लोगों पर, तो उस क्या है प्रोजेक्ट, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देखिए। जैसा आप जानते हैं जो कॉरपोरेशन एरिया है इसमें पूरे एरिया में करीब 150 के आसपास कैमराज सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, और 50 लोकेशन पूरे कॉरपोरेशन की जो मुख्य चौक हैं या बाजार का एरिया है ऑलमोस्ट सारा शहर इससे कवर होता है। तो इसमें एक टीम बनाई गई है जो पहले भी थी, जो इसको यहाँ बैठ के मॉनिटर करती है, जहाँ पर जिस एरिया में उनको लगता है कि व्यक्तियों की या गाड़ियों की मूवमेंट ज़्यादा है तो तुरंत उस संबंधित थाना क्षेत्र में जो टीम्स काम कर रही हैं उसे कंट्रोल रूम के द्वारा इंटीमेट किया जाता है ताकि वहाँ भीड़ को रेगुलेट किया जा सके। हमारे साथ करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया, उनका साफ तौर पर यही कहना था जहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने है जो एसपी से मुलाकात कर अन्य समाज के लोगों पर घर से है जो नमाज अदा करने का आह्वान किया, वहीं कोरोना रिलीफ फंड में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने 1,00,000 रुपये का अनुदान किया। करनाल से अपने सहयोगी कैमरामैन विशाल के साथ कमल की रिपोर्ट।